अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे कुल्फ़ी। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। 8 डबल रोटी के स्लाइसेस ले लें। कंडेंस मिल्क 395 ग्राम्स ले लें, तकरीबन 1 कप। एवेपोरेटेड मिल्क ले लें, जो चाय बनाने के काम आता है। 170 ग्राम के 2 पैक्स लेने हैं, तकरीबन 2 कप। 1 टीस्पून इलायची पाउडर ले लें। एक ब्लेंडर ले लें, उसमें ब्रेड को डालें और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। जब ब्रेड इस हद तक चॉप्ड हो जाए, इसमें एवेपोरेटेड मिल्क ऐड करना है 2 कप और 1 कप कंडेंस मिल्क ऐड कर लें। एक टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर लें। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। अब देखें, इसका टेक्सचर इस तरह से थिक हो जाएगा। बेहतर यह है कि आप जो बाहर मोल्ड्स मिलते हैं कॉर्न के, आप वो इस्तेमाल करें। मेरे पास वो थे नहीं, तो मैंने शॉपर से कॉर्न्स बनाई और उसमें मैंने इसका मिक्सचर ऐड किया और उसको रबर बैंड से बंद कर दिया और उसमें बारबेक्यू स्टिक्स को ऐड कर दिया। कुल्फ़ी को मोल्ड्स में ऐड करने के बाद आपने इसको फ्रीज़ करना है। तकरीबन 2 से 3 घंटे तक इसको फ्रीज़ कर लें, ओवरनाइट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। इसको मोल्ड से निकालें और इन्जॉय करें। आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी गार्निश कर सकते हैं। आपकी ठंडी ठंडी कुल्फ़ी तैयार है। और रेसिपी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट्स में दें। यम्मी।